हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैग ग्रुप प्लस। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैली 9 का डेटा आप टैली ईआरपी 9 में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि टैली 7.2 का डेटा टैली ईआरपी 9 में हम कैसे चला सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं। इस वीडियो में बताऊंगा टैली 7.2 का डेटा आप टैली ईआरपी 9 में कैसे चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले आपके लिए और काम की वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आने वाली वीडियोस में टैली के सारे ऑप्शन कवर करने वाला हूं, चाहे वो छोटा ऑप्शन हो या बड़ा ऑप्शन हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूं और उसके बाद उसी तरह से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और भी काफी सॉफ्टवेयर हैं जिसका मैं हर एक ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। आप अगर ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ उस जगह जहाँ पर मेरा टैली इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैं चलता हूँ सी ड्राइव में और यहाँ पर मेरा टैली 7.2 है, टैली 9 है और टैली ईआरपी 9 है। तो टैली 7.2 का जो डेटा है वो ये है, ये कंपनी है और ये इसका एड्रेस है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं टैली ईआरपी 9 में और मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, टैली 7.2 migration.exe को ओपन करते हैं। अब दोस्तों, टैली 7.2 का डेटा ईआरपी 9 में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टैली ईआरपी 9 माइग्रेशन टूल। इसमें क्या है, क्योंकि मेरा टैली ओरिजिनल नहीं है तो इसमें एरर दिखा रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना है जो मैंने कॉपी किया था और एंटर, और ये कंपनी का नाम आ जाता है, इसको एंटर करेंगे, माइग्रेट को यस करेंगे तो एरर दिखाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे हेड हैं और ये सारी वाउचर एंट्रीज हैं। तो ये सारे हेड आपके यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे माइग्रेट होने के बाद और ये सारी एंट्री जो है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। माइग्रेट अगर हम यस करेंगे तो ये मेरे एरर दिखा रहा है। तो अगर आपका ओरिजिनल टैली है तो ये एरर नहीं दिखाएगा, आपका 7.2 का डेटा ईआरपी 9 में बड़ी ही आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। मैं इससे नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये केवल ओरिजिनल में ही सपोर्ट करता है। तो अब मैं क्या करूंगा, टैली 7.2 का डेटा पहले मैं कन्वर्ट करूंगा 9 में, उसके बाद मैं 9 से ले जाऊंगा टैली ईआरपी 9 में। तो मैं टैली 9 ओपन करता हूं और यहां पर भी ये टूल है टैली 7.2 माइग्रेशन, इसको मैं ओपन कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां एरर नहीं आएगी, मैं माइग्रेट पे जाता हूं। अब यहां पर मुझे एड्रेस डालना है जहां पर मेरा टैली 7.2 का डेटा पड़ा हुआ है, इसको पेस्ट कर देता हूं। ये मेरा 7.2 का डेटा है और मेरी कंपनी का नेम आ चुका है। अब मैं इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूं, एंटर, और ये पूछ रहा है माइग्रेट करना है या नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ यस। अब देखिए, माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ये सारे हेड जो हैं वो यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं और ये सारी जो एंट्रीज हैं ये यहाँ पर इसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और मेरी 1021 एंट्री यहाँ पर थी और 1021 एंट्री यहाँ पर 9 में ट्रांसफर हो चुकी है। अब मैं एंटर करता हूँ और मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ इस कंपनी से। अब मेरा डेटा 9 में कन्वर्ट हो चुका है तो मुझे जाना पड़ेगा टैली 7.2 में, डेटा में। ये पुराना डेटा था टैली 7.2 का और ये 9 में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मुझे जाना पड़ेगा टैली ईआरपी 9 में और यहाँ पर डेटा के फोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। डेटा पेस्ट हो चुका है, अब मुझे अपनी टैली ओपन करनी है टैली ईआरपी 9 को। अब मेरा टैली 7.2 का डेटा टैली ईआरपी 9 में आ चुका है, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये एरर दिखाएगा। तो इससे पहले मुझे बैक करना पड़ेगा, यहां पर हमें इसको रीराइट करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट आर बटन दबाकर, और यहां पर ऊपर आ चुका है रीराइट, यहां एंटर कर देंगे और रीराइट को यस कर देंगे, बैकअप को नो कर देते हैं। अब मेरा डेटा रीराइट हो चुका है, अब मैं चलता हूं अपने फ्लैग कंपनी में। अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा ओपन हो चुका है, मैं चलता हूँ बैलेंस शीट पे, मेरा अमाउंट आ गया, डिस्प्ले डे बुक। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टैली 7.2 का डेटा टैली ईआरपी 9 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पास टैली 9 सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको दे देता हूँ, आप वहां से टैली 9 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्रैक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्रैक्ड होता है, केवल आपको डाउनलोड करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये टैली 9 का डाउनलोड लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता क्योंकि ये अनऑथराइज्ड है। तो आप जब इसको गूगल पे टाइप करेंगे, ये आपको टाइप करना है एज इट इज, टाइप करना है जो स्मॉल है जो कैपिटल है उसको एज इट इज ही लिखना है, और जैसे ही आप इसको लिखकर एंटर करेंगे आपके सामने टैली का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा।